में से सतीप फर्स्ट के लिए बागरी खेड़ा के लिए ग्राम पास एक दंतेड़ा व समर्थन किसान प्रो कंपनी के माध्यम से वह स्लोधारी डेढ़ के पोषण के आहार पर जागरूकता अभियान पोषण माह के लिए तत्वाधान सभी कार्यम में से वासियों को भी वह सोयाबीन के आधारित आहार के लिए प्रशिक्षण वर्दीलाल मालवीय के द्वारा दिया गया है, जिसमें से सोयाबीन से दूध बनाना, दूध से चाय बनाना और दूध से पनीर बनाना, सोयाबीन के पकौड़े भजिया बनाना, सोयाबीन के लिए दाल नमकीन बनाना आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही सभी चीज़ों को बनाकर ग्रामवासियों को भी भोजन के रूप में खिलवाया भी गया है। वहीं दूसरी ओर पोषण वाटिका को लेकर वे अपने घर आंगन में से फल सब्जियों के पौधे लगाने को सभी ग्रामीणों को भी जन स्पष्ट ली गई है। वहीं पर इसमें से आदि डेढ़ के पोषण आहार एवं वह लघु कृषि आजीविका के लिए स्वर्धान एवं पोषण सुरक्षा के लिए समर्पित प्रयास करेंगे। हाँ सर जी, हम सॉलिडरी डेट के माध्यम से जो सितंबर माह होता है इसमें लगभग 11 गांवों में हमने अभी तक फूड प्रोसेस क्या है इसके बारे में महिलाओं को जागरूक किया है, जिससे कि सोयाबीन से क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में महिलाओं को जागरूक किया। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन को हमने रात को भिगोया, उसके बाद सुबह महिलाओं ने मिलकर इसमें से जो छिलके होते हैं वो छिलके निकाले, तत्पश्चात उसको मिक्सर में फीस कर हमने दूध बनाया, उस दूध से चाय बनाई और जो बचा हुआ उसका जो अंश था उससे हमने पकौड़े बनाए, साथ में दाल बनाई, दाल जैसे नमकीन, उसके बाद बचा हुआ दूध उससे हमने पनीर बनाया, पनीर बनाया और बच्चों को इस दूध को पीने की हमने महिलाओं को सलाह दी, क्योंकि इस दूध में 42% पोषण। देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन